तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ट्रेन का टिकट बुक किए हैं और उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई टिकट जब अपने मोबाइल फ़ोन से बुक कर लेते हैं और किसी न किसी कारणवश उसे हमें कैंसिल करना पड़ता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। और अगर हमें पता नहीं है कि टिकट को कैंसिल कैसे किया जाता है, तो उस सिचुएशन में हम टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि टिकट को कैंसिल कैसे किया जाता है। यहाँ पे लाइव प्रूफ में एक टिकट को कैंसिल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बहुत ही आसानी से आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए कोई मास्टरमाइंड की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद जो है आपका टिकट जो है कैंसिल हो जाएगा और उसका फंड जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ज़्यादातर टिकट जो है हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से ही बुक करते हैं। तो यहाँ पे टिकट में यही से बुक किया है और एक टिकट है जिसको मैं कैंसिल करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों, सेकेंड नंबर में एक ऑप्शन मिलता है माई बुकिंग का। तो सिंपली आपको जो है माई बुकिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको जो है लॉगिन करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका 4 डिजिट का पिन होगा, उस पिन को डाल के आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से, मतलब जो है यहाँ पे देखिए, इसका होम पेज से फिर से हम आ गए हैं और इस बार हम इसमें सक्सेसफुली लॉगिन है, मतलब इस एप्लीकेशन में हम लॉगिन हो चुके हैं। तो फिर से हमें जो है माई बुकिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक टिकट है जो कि मैंने बुक किया था और मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि एक टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टिकट को हमें कैंसिल करना है, तो सिंपली हमको जो इस टिकट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मतलब अगर आप एक से ज़्यादा टिकट को बुक किए रहेंगे और किसी एक टिकट को आपको कैंसिल करना है तो आपको उसी टिकट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, टिकट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हमें कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर में साइड में, राइट साइड में आपको जो है 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो है 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सेकेंड नंबर में एक ऑप्शन मिलता है कैंसिल टिकट का। तो सिंपली आपको कैंसिल टिकट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मतलब जो है टिकट हमें सेलेक्ट करना है कि किस टिकट को हमें कैंसिल करना है। तो हमारे पास एक ही टिकट है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे में कैंसिल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो है कैंसिल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कन्फर्म आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो हाँ, तो उसके लिए फिर से हमको जो है कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, टिकट जो है कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज भी आ चुका है OTP के थ्रू, यहाँ पे मेरा टिकट जो है कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों, इस टिकट का जो पैसा है 5 से 10 दिन में, मतलब 1 वीक के अंदर जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कितने पैसे आएगा तो वो आपको जो है यहाँ पे रिफंड अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हमारे में तो यहाँ पे 0 रुपीस बता रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे 0 रुपीस इसलिए बता रहा है कि मैं जो टिकट जो है 1 से 2 घंटे पहले ही मैंने कैंसिल किया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, टिकट आपको जो है 24 आवर के पहले कैंसिल करना है, उसके बाद जो है इसका रिफंड पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और आप जब भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिफंड अमाउंट बता दिया जाएगा कि इतना पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 24 से 72 घंटे के अंदर जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही तरीका है टिकट को कैंसिल करने का। तो यू होप कि आप जान गए होंगे कि टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा।